आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, मॉनसून सत्र की कार्रवाई का तीसरा दिन आज। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। तो आज सदन में फिर उठेंगे कई मुद्दे जिन पर हंगामे के आसार बने हुए हैं। किरण चौधरी उठाएंगी सीटी का मुद्दा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। पक्ष विपक्ष में तिकी नोकझोंक हो सकती है, सदन में फिर गूंज सकता है नूह हिंसा का मुद्दा, क्योंकि लगातार विपक्ष इस पर चर्चा की मांग करता आ रहा है। तो मॉनसून सत्र की कार्रवाई का तीसरा दिन आज सदन में फिर उठेंगे कई मुद्दे, कई अहम मुद्दे जो है वो उठेंगे सदन के भीतर। इस वक्त की बड़ी खबर, किरण चौधरी उठाएंगी सीटी का मुद्दा, पक्ष विपक्ष में जोरदार जो बहसबाजी है वो यहां पर हो सकती है, सदन में फिर गूंज सकता है नूह हिंसा का मुद्दा। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मॉनसून सत्र की कार्रवाई का तीसरा दिन आज और जानकारी, आज सदन में फिर उठेंगे कई महत्वपूर्ण मुद्दे, ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो किरण चौधरी उठाएंगी सीटी का मुद्दा, पक्ष विपक्ष में जोरदार बहस हो सकती है, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, आज तीसरा दिन है मॉनसून सत्र का, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज भी कई मुद्दों को लेकर गहमा गहमी सदन के भीतर देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा और अंतिम दिन है और सदन की कार्यवाही में जोरदार हंगामे के आसार रहेंगे, क्योंकि आज भी किसानों के मुद्दे पर जो है वो चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुआ है, इसके ऊपर चर्चा होनी है और इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र को लेकर भी एक प्रस्ताव जो है वो ध्यानाकर्षण के रूप में मंजूर विधानसभा के मॉनसून सत्र की आर्थिक कार्यवाही के लिए हुआ है। तो ऐसे में इन दोनों मुद्दों पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामे के आसार रहेंगे। इसके साथ साथ प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान भी सीईटी के मुद्दे पर सवाल जो है वो आज कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी का लगा हुआ है, उसके ऊपर जो सरकार का जवाब होगा उस दौरान भी सदन की कार्यवाही में हंगामा देखने को मिल सकता है। तीन दिन का जो मॉनसून सत्र है उसका आज तीसरा और अंतिम दिन है और काफी हंगामेदार कार्रवाई आज की रहने के आसार है। जी पवन, अगर मुद्दों की यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि कल हमने देखा विधानसभा के अंदर जो इन मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ वो था नूह हिंसा पर चर्चा की मांग, जिसका एक जिक्र जो है उस समय यहां तक कर दिया गया कि जब मणिपुर को लेकर लोकसभा में वहां पर चर्चा हो सकती है और उस पर प्रधानमंत्री का जवाब आ सकता है तो यहां विधानसभा में नूह हिंसा को लेकर क्यों नहीं हो सकता। दूसरा मंत्री संदीप सिंह का जो मुद्दा है उसको लेकर भी विपक्ष ने कई सवाल उठाए, उस दौरान भी मुख्यमंत्री की तरफ से भी काफी जो जवाब है वो दिए गए, तो आज भी ये मुद्दे जो है उस पर गहमा गहमी रह सकती है। बिल्कुल, नूह हिंसा का जो मुद्दा है, इस मुद्दे के ऊपर सदन में दूसरे दिन की कार्रवाई में जोरदार हंगामा हुआ था, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी तल्खी इस मुद्दे पर देखने को मिली थी। लेकिन इसके साथ ही राज्य मंत्री संदीप सिंह के ऊपर जो जूनियर महिला कोच के आरोप है, इस मामले में भी जोरदार हंगामा दूसरे दिन की कार्रवाई में हुआ था। तो आज एक बार फिर से कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो वो सरकार को घेरता हुआ दिखेगा। साथ ही आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो एक जवाब भी देंगे और प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर कांग्रेस के विधायक रघुवीर कादयान ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था, मुख्यमंत्री आज उसका जो पूरा विवरण है, पूरी प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसका, उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री देंगे। तो कई आज ऐसे सदन में मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर जोरदार हंगामे के आसार होंगे और इसके साथ साथ कई जो विधेयक है वो भी आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे और चर्चा के बाद उनको पारित किए जाने की जो है वो कोशिश सरकार की रहेगी, लेकिन देखना होगा कौन कौन से विधेयक को आज पारित किया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल बता दें आपको कि आज सदन में फिर कई मुद्दे उठेंगे, मॉनसून सत्र, हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा और आखिरी दिन है आज।